पिछले एक माह से लगातार लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे बदमाश पुलिस के लिए चुनौती साबित हो रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की भारी वजीहत हो रही है, लेकिन एसएसपी अजय सिंह ने बदमाशों की चुनौती स्वीकार कर गैंग पर कमर तोड़ कार्रवाई की है। पिछले एक महीने से हरिद्वार में शहर से लेकर गांव तक घर में घुसकर लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले बदमाशों के हौसले काफी बुलंद है। ऐसे सनसनीखेज घटनाओं को रोकने के लिए एसएसपी अजय सिंह ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया और एक महीने के अंदर हुई वारदातों के बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी अजय सिंह ने अपने एक्शन प्लान की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले एक महीने में घर में घुसकर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने वाले बदमाशों पर पुलिस की पैनी नजर थी। इस दौरान कुछ बदमाशों के छिपे होने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। एसएसपी ने बताया कि फायरिंग कर रहे बदमाशों के साथ मुठभेड़ में पुलिस को कामयाबी मिली और दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। और कल देर रात्रि जब उनको एक घर में आइडेंटिफाई किया गया था और पुलिस की जब ये हलचल देखी तो उसके द्वारा दो जो वहाँ बदमाश थे जिसमें नाम है अंकुर और उपकार, ये निकल के वहाँ के आम के बगीचे वहाँ पे पहुँचे। जब वहाँ पहले से पूर्व से घेराबंदी थी, एक उसमें जो लालकारने के बाद क्रॉस फायरिंग हुई थी जिसमें अंकुर और उपकार को गोली लगी, जिसको तत्काल वहाँ से रुड़की अस्पताल शिफ्ट किया गया। बाकी जानकारी पता चला कि उसमें वहाँ से 3 से 4 लोग भागे वहाँ से जंगल में जो अंधेरे का फायदा उठाकर, जिनके नाम भी निकला है इसमें, जो हमारे दीपक और अनिल करके थे और एक मोटा उर्फ राजा और मोटा करके नाम है, सभी सहारनपुर के रहने वाले हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में।